देते हैं, लेकिन रुपया खुल चुका है और यहाँ पर शुरुआत हुई है 7 पैसे की कमजोरी के साथ। वाओ, रिकवर हो रहा है, 68 रुपए 4 पैसे 3 पैसे रिकवर हो गया। चलिए वेरी नाइस, अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत, लेकिन खुला 68-14 के आसपास था। हाँ, 68-14 से रिकवर होकर अभी 68-4 आ गया है। और अच्छी बात है कि जो डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई उसका कुछ अंदाजा भारतीय बाजारों को था कल ही, और कल ही 0.1% के आसपास रुपया कमजोर हो चुका था। तो हमारे साथ करेंसी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट अभिषेक गोयनका साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उनसे बात की जाए, उनसे लेते हैं आउटलुक रुपए का। अभिषेक जी, आपसे पिछली बार बात हुई तब तो आप डरा के गए थे और बोला भी था कि 68 के नीचे टूट जाएगा, वो हो गया, अब क्या? मेरे ख्याल से अभी भी ये काफी बड़ी अनवाइंडिंग है जो मार्केट में चल रहा है, और इस बार क्या हो रहा है कि ये इंटरनेशनल मार्केट से भी पूरी सपोर्ट मिल रही है। यूएस में जो 10 ईयर इतना बढ़ गया, इमर्जिंग मार्केट्स की सभी करेंसीज गिर रही है, और रुपया में भी अब जो कि लोगों को अब दिख रहा है कि भाई आरबीआई की खास इंटरवेंशन मार्केट में है नहीं, तो इम्पोर्टर्स अब पैनिक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 67.5 के बाद इम्पोर्टर्स मार्केट में आ गए जो इम्पोर्टर्स एकदम मार्केट में नहीं थे। और आज मॉर्निंग का ये रुख है कि हर वो इंसान जो शॉर्ट है वो खरीदना चाहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सबको लग रहा है कि भाई अभी 70 रुपए का 68-80 जो प्रीवियस हाई था वो तो अब दिख ही रहा है लोगों को, और फिर उसके बाद वो 3 बार टच हो चुका है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई इस बार तोड़ के 70 के ऊपर भी आ सकता है मार्केट। तो अब जितने भी इम्पोर्टर जो प्रीमियम के सहारे कवर नहीं करते थे, अब वो उनकी भी अब सर के ऊपर से पानी निकल रहा है 67 आपके बाद। फिर खरीद कौन रहा है फिर? फिर एफआईआई का जो इक्विटी से पैसा निकल रहा है, गेट से निकल रहा है, वो काफी बाइक आ रही है मार्केट में। इम्पोर्टर्स आप फुल फ्लेज मार्केट में आ गए हैं, तो और एक्सपोर्टर्स एकदम स्टे पुट है, तो एक्सपोर्टर की वॉल्यूम 0 हो गई है, बहुत कम हो गई है। आउट रहे 70 कब तक होगा? 70 का तो बोलना मुश्किल है, बट जिस हिसाब से अगर मोमेंटम है नहीं होगा ना, मतलब हमारा नहीं, ऐसा नहीं है, पिछली बार बोला था हमारा टारगेट तो डेफिनेटली है, इस साल में हमें 70 दिखाना चाहिए रुपया। इस साल में मतलब इस साल में अभी हम है मई में ही है, हाँ अगर 6-7 महीने में आप 2 रुपए और कमजोर हो तो फिर डर नहीं है, मतलब ये जून उन्नत नहीं हो जाएगा ना। 70 रुपए आज के रेट से अगर देखें तो सिर्फ 2-3% की बात है ना, 3% की बात, वही इसी स्पीड से तो 2 मई जून में हो जाए, हो सकता है, कोई संभव है, बोल नहीं सकते। आपको डरा मोमेंटम ऊपर का है तो बहुत कॉशियसली अपने एक्सपोर्टर्स है तो हम पुट ऑप्शन ले रहे हैं, फॉरवर्ड नहीं कवर कर रहे, और इम्पोर्टर्स के लिए हम लोग बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है बाय कर रहे हैं। ठीक बात है, शुक्रिया सर। फिर भी जब भी करेंसी मार्केट में बड़ी हलचल होगी आपको याद कर लेंगे हम तो। बंसल जी, आप चार्ट वार्ट देखते हैं रुपए की? जरूरत नहीं पड़ती। नहीं अनिल जी, देखता हूँ। और मैंने अनिल जी अभी 64 रुपीज पे अपनी पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, अब वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, मेरे को थोड़े से और खरीदने पड़ रहे हैं। अरे सर, जितना मिला फायदा इसमें संतोष करो आप। 64 में ले भी लिया आपने, और क्या चाहिए? हाँ अनिल जी, मेरी फैमिली को ट्रेवल करना तो मैंने पहले ही ले लिया था, तो मतलब माई फैमिली इज गोइंग ऑन अ हॉलीडे ना। आप तो नहीं जा रहे? मैं नहीं जा रहा। हाँ, बस ठीक है, ठीक है। तुम्हारे डबल मार पड़ने वाले बात हो जाएगा। लेकिन अभी 68 के 70 रुपए ट्रेड कर रहा है। और अब फटाफट से ब्रोकर हाउसिंग रिपोर्ट भी जान लेते हैं, रजत है हमारे साथ, बताइए रजत।